फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग को इनेबल कर सकते हैं रियलमी के फ़ोन में। मेरे पास है रियलमी नार्जो 20 और इसी डिवाइस में मैं आपको बताऊँगा कि वाईफाई कॉलिंग को कैसे इनेबल या फिर डिजेबल कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में घंटी का ऑप्शन आए तो उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, वाईफाई कॉलिंग को इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाएंगे तो आपको यहाँ कहीं भी क्लिक करेंगे तो आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब ये वाईफाई दिख रहा है तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो इसको बैक कीजिए, वाईफाई में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सिम कार्ड में। तो सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा दिखेगा तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सिम 1 या 2 जो भी हो आपका, जिसमें आपका 4G सिम लगा हो उसको सेलेक्ट करना है। तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ये ऑफ होगा तो इसको ऑन कर दीजिए यहाँ से। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप नीला कर दीजिए। अगर नीला हो रखा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से वाईफाई कॉलिंग को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पे VoLTE हो तो इसको भी इनेबल कर दे, और डेटा रोमिंग हो तो इसको भी इनेबल कर दे। इन तीनों को इनेबल कर दे और ये फ्री सर्विस होता है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैसे वैसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं कटते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रेपर नेटवर्क टाइप्स ये क्या होता है ये भी जान लेते हैं। प्रेपर नेटवर्क टाइप्स ये होता है जैसे कि 4G, 3G, 2G, ऑटो कनेक्टेड जो प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका 2G या 3G पे कनेक्ट होगा तो आपका इंटरनेट स्पीड पकड़ेगा नहीं, अच्छे से कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ऊपर वाले पे सेलेक्ट करके रखेंगे तो आपका 100% होगा और ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होता है। बाय डिफॉल्ट आप चेक कर लीजिएगा, अगर सेलेक्ट ना हो तो डेफिनेटली इसको भी कर लीजिएगा। तो गाइस, वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड गुड बाय, टेक केयर।